हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग आसाम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट का एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे फ्रेंड्स इससे पहले मैंने जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट का एग्जाम के लिए बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले टाइम में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट का एग्जाम के लिए जो मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर वन में बोल रहे देखिए हु इज द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिया का प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर कौन है so, इंडिया का प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर है आपका राजनाथ सिंह तो इस क्वेश्चन नंबर वन का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजनाथ सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहे देखिए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है सो फ्रेंड्स वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हर साल जून फाइव को सेलिब्रेट किया जाता है तो इस क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जून फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहे देखिए पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय पेनिसिलिन किसने डिस्कवर्ड किया है सो पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो इस क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। टाबद्रा एंड बीमा आर से कौन सा रिवर का ट्राइबूटरी एंड बीमा तो फ्रेंड्स यहाँ पर कृष्णा जो रिवर है इस रिवर का बहुत सारे ट्राइबूटरीज है पर उन ट्राइबूटरीज में दो ट्राइबूटरीज का नाम है आपका टूंगा भद्रा एंड बीमा तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कृष्णा रिवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में बोल रहे देखिए डांडिया राश इज ए पॉपुलर डांस ऑफ डांडिया राश ये जो डांस है ये कौन सा स्टेट का पॉपुलर डांस है तो डांडिया राश इज ए पॉपुलर डांस ऑफ गुजरात तो इस क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुजरात नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोल रहे देखिए हुई ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फेमस फॉर चिकन करी वार्क इनमें से कौन सा सिटी आपका चिकन करी वार्क के लिए फेमस है तो फ्रेंड्स इनमें से आपका लखनऊ जो सिटी है ये सिटी आपका चिकन करी वार्क के लिए फेमस है तो इस क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लखनऊ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन में बोल रहे दिखे सेंसास इन इंडिया इज बींग रेगुलरली आफ्टर एवरी इंडिया में जो सेंसस होता है ये हर कितने साल बाद कराया जाता है तो इंडिया में जो सेंसस होता है ये हर दस साल बाद कराया जाता है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी टेन क्वेश्चन नंबर एट में बोल रहे हैं देखिये नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ सो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ टेफलॉन तो क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी टेवलॉन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन में बोल रहे देखिए द यूनिट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं तो फ्रेंड्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने के लिए हम लोग डेसिबल यूनिट को यूज करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डेसिबल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन में बोल रहे फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन पर हुआ था सो फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था आपका बॉम्बे में तो इस क्वेश्चन नंबर टेन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बॉम्बे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन में बोल रहे देखिए द वर्ड जयते इन द स्टेट एम्बलेम ऑफ इंडिया वे आर टेक फ्रॉम ये जो वार्ड है सत्यमैफ जयते ये कहा से लिया गया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर सत्यमैब जयते जो, जो वार्ड है ये लिया गया है आपका उपनिषद से तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इलेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उपनिषद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में बोल रहे देख द ग्रेट एस्ट्रोनोमर एंड मैथमेटिशियन ऑफ द गुप्ता पीरियड वॉज गुप्ता प्रियोट का ग्रेट एस्ट्रोनोमर और मैथमेटिशियन कौन है सो so, गुप्ता प्रियोट का ग्रेट एस्ट्रोनोमर एंड मैथमेटिशियन है आपका आर्यवट्टा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आर्यवट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन में बोल रहे देखिए हुई ऑफ द फॉलोइंग इज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन ऑफ फोजन लेयर अराउंड द आर हुई प्रोटेक्ट्स आस फ्रॉम हार्मुल यूबीरे इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल है आपका डिप्लेशन ऑफ ऑजोन ले तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनमें से आपका क्लोरो फ्लोरो कार्बंस जो की ऑप्शन सी में दिया गया है ये आपका रेस्पॉन्सिबल है फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेअर तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्टीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में बोल रहे है देखिए हुई ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबलिस्ट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इनमें से कौन सा आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को एबोलिस्ड कर दिया गया है तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को एबोलिस्ड कर दिया गया है कौन सा आर्टिकल यूज करके ये पूछा गया है तो कौन सा आर्टिकल यूज किया गया है आर्टिकल 17 तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आर्टिकल 17 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि इन द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज बोट रेस इज ए स्पेशल विचार इनमें से कौन सा फेस्टिवल में आपका बोट रेस कराया जाता है सो फ्रेंड्स बोट रेस कराया जाता है आपका अनाम फेस्टिवल में तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनाम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे कि मधुबनी स्टाइल ऑफ फक पेंटिंग इज पॉपुलर इन हुई ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सो मधुबनी जो एक फोक पेंटिंग है ये कौन सा स्टेट में फेमस है तो ये फेमस है आपका बिहार स्टेट में तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिहार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में बोल रहे दिखिये द फेमसान टेम्पल द फेमस सान टेम्पल इज लोकेटेड इन हुई इंडियन स्टेट ये जो तो टेम्पल है ये कौन सा स्टेट में पड़ता है सो द फेमस सान टेम्पल इज लोकेटेड इन उड़ीसा तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उड़ीसा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे देखिए इन हुई स्टेट ज दॉर्नबिल फेस्टिवल है कौन सा स्टेट में हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है सो so फ्रेंड्स हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है आपका नागालैंड स्टेट में तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नागालैंड स्टेट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे देखिए व्इच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेंसिल्स पेंसिल्स में इनमें से कौन सा आपका यूज किया जाता है तो फ्रेंड्स पेंसिल्स में आपका ग्रेफाइट यूज किया जाता है तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ग्रेफाइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे इज लाफिंग गैस लाफिंग गैस इनमें से कौन सा गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है तो फ्रेंड्स लाफिंग गैस कहा जाता है आपका नाइट्रास ऑक्साइड को तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नाइट्रास ऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में बोल रहे देखिये फेदम इज द यूनिट टू मेजर इनमें से कौन सा मेजर करने के लिए हम लोग फेदम यूनिट यूज करते हैं सो फ्रेंड्स फेदम यूनिट यूज करते हैं हम लोग टू मेजर डेप्थ तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डेप्थ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में बोल रहे देखिए द ओरिजिनल नेम ऑफ गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम क्या है सो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम है आपका सिद्धार्थ तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिद्धार्थ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में बोल रहे हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी इनमें से किन को आपका फ्रंटियर गांधी कहा जाता है तो फ्रेंड्स फ्रंटियर गांधी कहा जाता है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में बोल रहे देखिए द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज़ गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे तो फ्रेंड्स गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर थे आपका श्री गुप्ता तो इस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए श्री गुप्ता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में बोल रहे देखिए व्हिच इज द मोस्ट जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ इंडिया इंडिया का साउदर्न मोस्ट जियोग्राफिकल पॉइंट इनमें से कौन सा है तो फ्रेंड्स इंडिया का साउदर्न मोस्ट जियोग्राफिकल पॉइंट है आपका इंदिरा पॉइंट तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में बोल रहा है किंग किल्ड मोस्ट ऑफ हिज ब्रदर्स बिफोर असेंडिंग द थ्रोन इनमें से किस किंग ने सिंहासन को पाने के लिए अपने सारे भाई को मार दिया था तो फ्रेंड्स वो किंग है आपका अशोका तो इस क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कौशो का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन में बोल रहे देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ़ नीति नीति इन आयोग नीति आयोग में जो नीति वार्ड है इस नीति का फुल फॉर्म क्या है हम लोगों को बताना है तो फ्रेंड्स नीति का फुल फॉर्म क्या होता है नीति का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तो यहां पर देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आपका ऑप्शन सी में है तो इस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट में बोल रहे हैं देखिए द लार्जेस्ट ऑर्गान ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गान इनमें से कौन सा है तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गान है आपका स्किन तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्किन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में बोल रहे थे कि रोट द बुक द साटानिक वर्सेस सटानिक वर्सेस जो बुक है इस बुक का राइटर कौन है सो so, इस बुक का राइटर है आपका सलमान रुशदी तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सलमान रुशदी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तर्टी में बोल रहे थे okay. जो सेंटेंस है ये जो स्टेटमेंट है गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम इस स्टेटमेंट को किसने दिया था hmm. तो इस स्टेटमेंट को दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तार्टी का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में बोल रहे हैं देखिये व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशियस मॉरिशियस का कैपिटल क्या है तो फ्रेंड्स मॉरिशियस का कैपिटल है आपका पोर्ट लुइस तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पोर्ट लुइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में बोल रहे देखिए व्हाट इज द करेंसी ऑफ बल्गारिया बल्गारिया कंट्री का करेंसी क्या है तो फ्रेंड्स बल्गारिया कंट्री का करेंसी ही आपका लेब तो यहाँ पर थर्टी टू का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लेब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में बोल रहे देखिए हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादार इनमें से किन को कहा जाता है तो फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ताटेत्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर